सिलवास नगर पालिका द्वारा शुरू करायेल डिमोलिशन अभियान में ढाबाओ ने पण दूर करवामां आवता भाजपना हद्देदारोए ढाबा संचालकोनी तरफेणमां उभा रही प्रशासने तेमनी जमीन एनए करवानी भलामण करी छे। भाजपना हद्देदारोए नगरपालिका ने जिला पंचायत ने डिमोलिशन की कामगीरी अटकाववा जणाव्युं छे अने गैरकायदेसर दबाण करनाराओने 7 दिवस में स्वैच्छिक डिमोलिशन माटे समय आपवानी मांगणी करी छे। આ ઉપરાંત ઢાબા માલિકો પોતાની જમીન ઉપર ઢાબા બનાવી ધંધો કરી રહ્યા છે તેઓને તેમની જમીન એને કરી આપવા માટે પણ રજૂઆત કરાઈ છે। उस विषय को लेकर आज पंचायत क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र में जो ऐसा लोग कार्यालय पर आए थे, पिछले 2-3 दिनों से ये लोग हमारे संपर्क में थे। महामंत्री के माध्यम से आज हमने नगर पालिका का अध्यक्ष राकेश भाई, जिला के अध्यक्ष अजय भाई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह वर्मा, पार्टी के उपाध्यक्ष और सबको लेकर सभी की बातें सुनी। सभी की बातें सुनते हुए हमको ये लगा कि कुछ लोगों ने अपना जो दुकान थी वो दुकान में एनए करने की प्रक्रिया बाकी रही, और एनए करने की प्रक्रिया न होने के वजह से सरकार कुछ कदम उठा। हमें ये भी पता चला कि उन्होंने समय समय पर हाउस टैक्स भी भरा हुआ है और फूड का लाइसेंस भी लिया हुआ है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए कल ही हमारे महामंत्री महेश भाई और मनीष भाई और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश भाई ने जिला समाहर्ता श्री राकेश मीना से बात की थी, और उनसे बात करके उनको आश्वस्त किया कि जब उनको फूड का लाइसेंस दिया गया है और हाउस टैक्स भी पेड कर रहे हैं तो ये सबको एक तरीके से उनको वापस समीक्षा किया जाए, और जो काम उनके इलीगल है यानी जो आगे पत्र किए गए वो पत्रे को ही खाली निकाला जाए, बाकी पूरी दुकान को नहीं तोड़ा जाए। और जो पत्रे आगे निकाले हैं, हम अभी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी भी बनाना भी जरूरी है, और साथ साथ नगर हवेली में रहने वाले सभी व्यवसाय का व्यवसाय चले ये भी जरूरी है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे अध्यक्ष ने नगर पालिका के कलेक्टर से बात करते हुए इस चीज़ का आश्वासन लिया है कि जो आगे पत्रा निकालना है वो पत्रे की जगह एक अच्छे डिज़ाइन 5 फुट का एक्सटेंशन तय किया गया है, और सभी दुकान वाले को एक ही तरीके के जिस तरह जयपुर में गोल्डन सिटी पिंक सिटी बनाया गया है उसी तरह सिलवासा में भी एक अच्छी डिज़ाइन लगे, सिटी अच्छा लगे और अच्छी तरह से टूरिस्ट आए उसको ध्यान में रखते हुए 5 फुट के पत्रे को परमिशन दी जाएगी, और नगर पालिका विस्तार का समाधान हो चुका है। और जो पंचायत क्षेत्र की बात है उसके लिए आज हमारे महामंत्री और हम कलेक्टर से मिलकर उनका भी सॉल्यूशन आ जाए ऐसा पूरा प्रयास करें।